तो बंद को लेकर राजधानी में तमाम सियासी दलों के बड़े नेता सड़क पर उतरे और किसानों को अपना समर्थन जताया, किसानों की मांगों को लेकर समर्थन दर्ज कराया और केंद्र सरकार का खुलकर विरोध किया किसान कानून में बदलाव को लेकर। ऐसे में ही प्रदर्शन के दौरान मंत्री रामेश्वर उरांव से हमारे सहयोगी राकेश ने बातचीत की, सुनाते हैं आपको क्या कहना है उनका। है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव भी सड़क पर उतर चुके हैं, तबीयत नासाज है, बावजूद इसके किसानों के सवाल पर आप सड़क पर हैं, क्या विकल्प है गैर बीजेपी शासित राज्यों के पास इस कानून को लेकर? सर देखिए, हमें मत बांटिए, हम किसान के साथ हैं, किसान पूरे देश में है, शासित प्रदेश वगैरह से मतलब हमको नहीं है, हम किसान के साथ हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारी नेत्री सोनिया जी, नेता राहुल जी, जितने भी बड़े नेता हैं कांग्रेस के, अधिकतर उसमें से किसान हैं, मैं भी किसान हूँ। इधर आलोक दुबे कहाँ गए? वहाँ किसान है, किशोर ये किसान है, जितना ये किसान सब तो किसाने हैं। के कह रहा था कि किसान नजर, जब किसान नहीं हर घर में घुसा हुआ है, जो है उसको कह रहा है कि कहीं फेल करके, हम कह कि यार आंख बंद कर लोगे रांची में, और कहो कि सूरज नहीं निकला हुआ है तो होगा क्या? ऐसा आप कह रहे हैं कि जबरदस्त समर्थन किसानों के साथ लोग खड़े हैं? ऐसा है, किसान जहां जहां हैं उनका हम लोग उनका सपोर्ट में आगे बढ़े हैं। किसान जहां जहां हैं, दिल से ये तीनों कानून के खिलाफ, मैं ये बताना चाहूंगा दिल से। ये लोग बात नहीं करते तो मैं कह, लोहरदगा में 2 दिन से रहा, किसानों से बात किया, बोला कि आप लोग ठीक कर रहे हैं, दिक्कत हो जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर ले लीजिएगा तो हम कितना में बेचेंगे, कितना में बिकेगा हमारा? वही 800-1000 ये क्विंटल बिकेगा। आज तो हम 2050 रुपए में बेच रहे हैं सरकार से। ये इसको आप जरूरी इसको हटाइए, भगाइए इसको, बीजेपी को अगले बार में समर्थन देंगे। लेकिन मोदी सरकार तो बोल रहे हैं कि नए भारत के निर्माण के लिए ऐसे कानून की जरूरत है, ये कृषि में सुधार के लिए कानून लाया जा रहा है। नए भारत का निर्माण 15 अगस्त 1947, जिस दिन देश आजाद हुआ तब से शुरू है, ये मोदी जी शुरू नहीं किए हैं। उस समय कृषि के क्षेत्र में क्या स्थिति थी, देश में अनाज की कमी थी, देश में अमेरिका से अनाज लाया जाता था, PL 480, आप बच्चे थे होंगे उस समय, पब्लिक लॉ 480 के तहत चावल आता था, गेहूं आता था, उसी को खाए हैं, हम भी खाए हैं वहाँ का वो अनाज को। और इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, किसानों को बचाने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, बड़े बड़े डैम बनाए इसके लिए सिंचाई के लिए। आज जो कृषि है, आज जो आधुनिक कृषि है देश में, वो कांग्रेस की वजह से है, आदरणीय श्री मोदी जी की वजह से नहीं है। सवाल ये है कि आप यहाँ स्टेट में, आपकी सरकार है और ये कानून बन चुका है, सरकार की तरफ से इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि कानून वापस नहीं होगा, कुछ संशोधन जरूर किया जा सकता है, आपके स्टेट में इस कानून को लागू किया जाएगा, क्या है आप लोग की मंशा? ये बात की चीज है, क्या होगा नहीं होगा, पहले तो हम अपने किसानों के साथ हैं। आपने देखा ना कि आदिवासियों का साथ देने के लिए सरना कोर्ट पास कराया हम लोग, हम जनता के साथ रहेंगे, हम किसानों के साथ भी, हम आदिवासियों के साथ है, सरना कोर्ट पास करा के विधानसभा से आदिवासियों के साथ दिए। हम किसान अभी गर्दिश में हैं, संकट में हैं, दुखी हैं, मेरा फर्ज बनता है, मेरे पार्टी का फर्ज बनता है। हम धन्यवाद देते हैं सोनिया जी को, राहुल जी के, कि उन्हीं के अगुवाई में पूरे देश में कांग्रेस किसानों के समर्थन में उतरी है। कई जगह से बातें आ रही है कि धान क्रय केंद्र नहीं खुला, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात थी बोनस के साथ 250 रुपया, वो भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है, ये बातें आ रही है, ये अफवाह उड़ाया जा रहा है। जब दिल्ली में सिंघु बॉर्डर में घेराए हुए हैं, चिल्ला बॉर्डर में घेराए हुए हैं, अरे इनको पूछिए कि वहाँ क्या हो रहा है दिल्ली में, ये मिनिमम सपोर्ट यहाँ दोगुना हो गया क्रय सेंटर, अब दोगुना हो गया है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किसानों का। फर्ज कीजिए कि पिछले साल लोहरदगा में 2000 किसान अनाज बेचे थे, इस बार 5000 रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, 3000 बढ़ गए हैं, तो 3000 के बराबर बिचौलिया घाटे की बढ़े।
घाटे के बढ़े बोलिए, घटे ना, हम घटा रहे हैं बिचौलियों को, सेंटर बढ़ा रहे हैं। एक आखिरी सवाल कि आज के इस आंदोलन से जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिला, कई ट्रेड यूनियनों का समर्थन मिला, क्या केंद्र सरकार के कदम पीछे हटेंगे, क्या सरकार पीछे जाएगी, आप लोग को लग रहा है आप आज के इस दबाव से? ऐसा है कि जनता की आवाज सुनना है उनको तो हटना है उनको, जनता का बात, बाकी तानाशाही रवैया अपनाना है बात अलग है। तो देखिए समर्थन में कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे मौजूद, प्रदेश अध्यक्ष खुद कमान संभाल चुके हैं, वो सड़क पर उतर चुके हैं और साफ तौर पर कहना है कि उनकी स्टेट में किसानों को लेकर राज्य सरकार कई सारे कदम उठा चुकी है। जहां तक MSP की बात है, 250 रुपये उनको MSP दिया जा रहा है। धान के केंद्र को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, उन पर उन्होंने कहा है कि ये BJP की साजिश है, BJP दुष्प्रचार कर रही है। और आज के इस आंदोलन से, आज जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों का समर्थन इस आंदोलन को मिला है, किसानों के साथ राजनीतिक पार्टियां खड़ी रही हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर दबाव होगा और केंद्र सरकार अपने कदम इस मामले में जरूर पीछे खींचेगी। कैमरामैन अभय प्रसाद के साथ राकेश कुमार, न्यूज 11 रांची।